हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क ऑफ प्रोसेस फूड्स। ये टॉपिक जो है FSSAI के रिटर्न एग्जामिनेशन के सिलेबस यूनिट नंबर आई थिंक 4 में पड़ेगा। ये लास्ट टॉपिक है 4th यूनिट का कि सेफ्टी कंसर्न ऑफ द प्रोसेस फूड आइटम्स। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे देख लेते हैं कि प्रोसेस फूड होते क्या हैं, किन किन फूड्स को हम प्रोसेस फूड्स बोलते हैं। तो इसके अगर हम डेफिनेशन देखें या इसकी स्टेटमेंट देखें तो कोई भी फूड आइटम जिसकी करेक्टरिस्टिक हम किसी भी वे से चेंज कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ताकि ये मोर कन्वीनियंट हो जाए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और टेस्टी टेस्टी हो जाए, मतलब खाने में इसका टेस्ट अच्छा हो, उन सभी आइटम्स को हम क्या है प्रोसेस फूड आइटम्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखोगे जनरली कॉर्न जो है, जिसको हम जनरली हिंदी भाषा में मक्का बोलते हैं, उसको जनरली लोग नहीं खाते हैं। बट वही उसका जो जो प्रोसेस कह सकते हैं, प्रोसेस जो कन्वर्जन है, जो प्रोसेस फूड है कॉर्नफ्लैक्स, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो कॉर्न से कॉर्नफ्लैक्स बन गया, तो कॉर्नफ्लैक्स क्या है? प्रोसेस फूड आइटम है। तो एनी फूड दैट हैज बीन एल्टर्ड इन सम वे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, सेल्फ स्टेबल एंड टेस्टी और फ्लेवरफुल नॉन एज द प्रोसेस फूड। एंड प्रोसेस फूड इंक्लूड्स फूड दैट हैज बीन कुक, कैन, फ्रोजन, पैक और चेंज इन न्यूट्रिशन कंपोजिशन विद फोर्टिफाइंग, प्रिजर्विंग और प्रिपेयरिंग इन डिफरेंट वेज। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस फूड आइटम्स वो सारे फूड्स उसमें इंक्लूड होते हैं जो कि कुक होते हैं, जिनको हम कैनिंग करते हैं, फ्रोजन करते हैं और पैक करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस और टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, टू एनहेंस द फ्लेवर्स टेस्ट एंड आल्सो टू एनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ द सम सब्सटेंसेस। फूड प्रोसेसिंग जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो मे बी फ्रीजिंग हो सकता है, कैनिंग हो सकता है, बेकिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, थॉइंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, बहुत सारे वेरियस जो जो भी हीट ट्रीटमेंट स्टेप्स और नॉन हीट ट्रीटमेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं ऑलरेडी एक एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ जैसे कॉर्नफ्लेक्स का, तो उसमें ब्रेकफास्ट सीरियल्स ऑलमोस्ट जो देखोगे ओट्स हो गए, व्हीट फ्लेक्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मूसली हो गया, एंड कहते हैं सीरियल फिक्स का कोकटेल्स आता है, मिक्सचर आता है, वो हो गया, ब्रेड्स हो गए, वो सारे के सारे क्या है प्रोसेस आइटम्स हैं। टिन वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि टिन जैसे कैंड आते हैं, कैंड मशरूम आता है, कैंड जेलपेनो आता है, बहुत सारी कैंड फॉर्म में आपको लगभग आइटम मिल जाएंगे। स्वीट कॉर्न आता है, ब्रेड, सेवरी स्नैक्स, नमकीन्स, एक्सट्रूडी प्रोडक्ट, वो सारे के सारे इट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोसेस फूड आइटम्स। इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोसेस फूड आइटम्स हैं वो हमेशा ही सेहत के लिए अच्छे ना हो, और उनसे कोई ना कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे कोई ना कोई हेल्थ कंसर्न हो, क्योंकि जनरली प्रोसेस फूड आइटम्स जो अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो एक होते हैं हाईली प्रोसेस फूड आइटम्स, एक होता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड आइटम्स, एक होता है मिनिमली प्रोसेस फूड आइटम। तो जनरली आजकल जो ट्रेंड है, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटीज पीपल्स जिनको अवेयरनेस है उसके बारे में, तो जनरली क्या है मिनिमली प्रोसेस फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मिनिमली प्रोसेस फूड आइटम्स जनरली हेल्थी माने जाते हैं और उनमें किसी तरह को कंसर्न या इश्यूज नहीं होता है जो हेल्थ को इफेक्ट करे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है कि नॉट ऑल फूड्स आर बैड चॉइसेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो 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 हमारे जो प्रोसेस फूड है वो हमेशा ही क्या है खराब होते हैं, हमेशा वो खराब हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो फूड्स हैं वो हमेशा खराब हो। अब ये कंसर्न आता है कि प्रोसेस फूड आइटम्स जो हैं उनको मोर कंसर्निंग क्यों क्यों माना जाता है, क्यों
प्रोसेस फूड आइटम्स को अच्छा नहीं माना जाता है सेहत के लिए या स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। इंडिया में भी एफएसएआई का देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स एफएसएआई ने इनिशिएट किए हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाए हैं। जैसे एसएनएफ हो गया, एसएनएफ के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि वर्क प्लेस के लिए है जिसको ऑरेंज बुक बोलते हैं, येलो बुक है जो स्कूल्स में है, पिंक बुक है जो कि जनरली हाउस होल्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी इन्हीं के बारे में बताया गया कि मोस्टली हेल्थी फूड आइटम्स को आप अपनी डाइट्स में इन्वॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं इन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का कंसर्न है, इसलिए जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं, दे आर मोर कंसर्निंग टुवर्ड्स दी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और दे जस्ट वांट टू चेंज द ईटिंग पैटर्न्स में चेंज चाहती हैं। अगर अगर स्टडी की देखें तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ द कैलोरीज इन द एवरेज अमेरिकन डाइट कम्स फ्रॉम द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। मतलब जो अमेरिकन जो भी डाइट कंज्यूम करते हैं अपने पर डे की, उसमें से वो लगभग ऑलमोस्ट हाफ कैलोरी, मतलब अगर फुल डे में अगर उनको 3,000 या 2,000 कैलोरी चाहिए फॉर द बैलेंस एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज़, तो उसमें से 1,000 कैलोरी वो जनरली प्रोसेस फूड आइटम से ही लेते हैं, जैसे कि पैक बर्गर्स होते हैं, हैमबर्गर्स हो गए, पैक आइटम्स हो गए, चिप्स भी हो सकते हैं, मे बी कोई पैक्ड आइटम, मतलब प्रोसेस फूड आइटम्स से ही वो अपना हाफ कैलोरीज जो है वो अपनी जो कैलोरी है वो प्रोसेस फूड आइटम से लेते हैं। जबकि अगर कनाडा में देखें तो परसेंटेज देखें तो थोड़ी सी कम है, बट इट इज आल्सो ऑलमोस्ट द 50%, 48% पीपुल्स इन द कनाडा दे आर टेकिंग फ्रॉम द प्रोसेस फूड आइटम्स। अब इसमें एक स्टडी हुई जो न्यूट्रीनेट्स सेंटे स्टडी है, फ्रांस की एक एजेंसी है, उसने स्टडी की, उन्होंने ये पाया कि अगर हम अपने कंजप्शन में, डेली कंजप्शन में अगर 10% इंक्रीज करते हैं, प्रोसेस फूड आइटम्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे होगा क्या, उससे 10% चांस, कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। अभी मान लो 0 है तो 10% वो हमारी बॉडी में हमें कैंसर होने की प्रॉबलिटी 10% हो जाएगी। किसी को ज़्यादा है तो उसमें 10% एनहेंसमेंट हो जाएगा अगर वो प्रोसेस आइटम्स 10% मतलब 10% और इंक्रीज कर देता है, जो भी खा रहा है या नहीं खाता है, बट अगर 10% इंक्रीज होने पे 10% कैंसर का चांस, ओवरऑल कैंसर का चांस बढ़ जाता है इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट कैंसर। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और चाइना, एज पर द डाटा, इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा ओबेस पीपुल्स हैं। 50% जो ओबेस पीपुल्स की पॉपुलेशन है होल द वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो इंडिया में ही है, और उसमें भी मोर कंसर्न एक चिल्ड्रंस का है। ओवरऑल जो जितने भी चिल्ड्रन पॉपुलेशन में हैं, ओवरऑल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन बात करें तो उसमें 2% जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन में भी 2% पॉपुलेशन जो चिल्ड्रंस की है वो ऑबेस है। तो जनरली इंडिया में मोर कंसर्निंग क्या है, जो हमारा यंग यूथ है वो ज़्यादा ओबेस है, वो मोर डिपेंड हो रहा है प्रोसेस फूड आइटम्स पे। इसी को कंसर्न को देखते हुए एफएसआई ने अभी एक रिसेंटली नोटिफिकेशन गजेटरी पास किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए स्पेशली, कि वहाँ पे कोई भी अनहेल्थी फूड आइटम्स सर्व ना हो, 50 मीटर पेरीफेरी में कोई भी अनहेल्थी फूड आइटम सेल नहीं कर सकता है। तो जनरली इट इज द कंसर्निंग, दैट्स वाई द एफएसआई डूइंग मोर वर्क ऑन दैट। अब चलो हम देख लेते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड आइटम या प्रोसेस फूड आइटम से हेल्थ रिस्क कौन कौन से एसोसिएट होते हैं। जनरली देखें तो डेफिनेटली दो प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड आइटम्स होते हैं उनसे कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। एक एक 5 साल की स्टडी है जिसमें 1 लाख लोगों के ऊपर स्टडी की गई, उसमें पाया गया कि 1% कंजप्शन होने पर क्या होगा, 12% 1%, देखो फ्रांस की स्टडी कहती है 10% इंक्रीज होने पर 10% चांस है, ये स्टडी कहती है कि 1% इंक्रीज करेंगे हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अपनी डेली लाइफ में, तो उससे क्या होगा, 12% हायर रिस्क होगा हमें कैंसर होने का। ठीक है, दूसरा है कि ये जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं ये हाई होते हैं शुगर में, हाई होते हैं सॉल्ट में, हाई होते हैं फैट में, जिसको अगर एफएसआई की टर्म में बोलें या इंडियन टर्म्स में बोलें, जो एफएसआई का इनिशिएटिव है, तो आज से थोड़ा कम, वो जनरली फोकस करता है जो जो हाई जो जो फूड आइटम है जो कि हाई है फैट में, शुगर में और सॉल्ट में, जिसको हम HFFS बोलते हैं, HFSS बोलते हैं, हाई फैट शुगर सॉल्ट, तो उसको कम करने की बोलता है, क्योंकि डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो फूड आइटम्स हाई होंगे फैट में, शुगर में, सॉल्ट में,
उससे क्या होगा, जनरली लाइफ स्टाइल डिसीज है वो होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई हमें, तो उस तरह के जो जो बीमारी के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा है कि जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं, डेफिनेटली न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी अप टू द मार्क नहीं होती है, एज पर द जो इनिशियल फूड में रॉ या मिनिमली प्रोसेस फूड आइटम्स में होती है उतना, उससे कंपेरिजन करें तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड आइटम्स में वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। हाँ, वो एक अदर फैक्ट अलग है कि हम उन अल्ट्रा प्रोसेस फूड आइटम्स को हम क्या है अनरिचमेंट कर देते हैं या उनमें फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, तो उससे क्या है मतलब आर्टिफिशियली इंक्रीज बोलेंगे, आर्टिफिशियली इंक्रीमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, वो एक अलग फैक्टर है आर्टिफिशियली बढ़ाना, बट आर्टिफिशियली जो हम बढ़ाते हैं डेफिनेटली इट इज द सो द केमिकल सब्सटेंसेस, डेफिनेटली नेचुरल न्यूट्रिएंट जो फूड में होता है वो उस तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जितने भी प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं उनमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल फाइबर्स लॉसेस हो जाता है ड्यूरिंग द हीट प्रोसेसिंग, और इट इज ऑल्सो द स्टडी दैट अप टू द 40% लॉसेस कई बार देखने को मिले हैं, लॉसेस इन द फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक ए डी के एंड बिकॉज दे आर द मोर हीट सेंसिटिव विटामिन। अदर देखें तो जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं कैलोरिक हाई कैलोरिक होते हैं अधिकतर, कैलोरिक डेंस जिसे हम बोलते हैं, और एडिक्टेड होते हैं, मतलब उनको ऐसा लगेगा एक बार खाओगे तो खाते रहो, एडिक्शन हो जाता है उनसे। जैसे कोक एंड पेप्सी की बात करें तो दे आर टू हाईली कैलोरिक कह सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक होती हैं, तो उनसे क्या है हमारा डाइट जो बैलेंस है वो नहीं हो पाता है। हाई कैलोरिक को तो डेफिनेटली देर इज द चांस इंक्रीज चांस हो जाएंगे ओबेसिटी के, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें दिखा है ओरियो कुकी जो है वो कंटेन करता है 50 कैलोरीज, एक ओरियो का जो कुकी आता है कैडबरी का जो ओरियो है उसका उसका जो बिस्किट है कुकी बिस्किट है वो 50 कैलोरीज, एक एक स्लाइस एक बिस्किट पर 50 कैलोरी होती है, जबकि अगर ग्रीन बीन्स का एक कप ऑफ ग्रीन बीन्स जो होता है वो उसमें चार चार ओनली 44 कैलोरीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस आइटम्स होते हैं वो बहुत ही कैलोरिक डेंस है, मतलब एक ही खाली सिंगल स्लाइस ऑफ द कुकी उसमें 50 कैलोरी है, जबकि एक कप ऑफ ग्रीन बीन्स का जो भी है टी है उसको कह सकते हैं उसमें ओनली 44 कैलोरीज होती है, ठीक है। दूसरा फैक्ट जो मैंने बताया एडिक्टिंग, इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं वो क्या है स्टिमुलेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है फील गुड, डोपामाइन सेंटर जिसे बोलते हैं डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं और मेकिंग अस क्रेव मोर ऑफ देम इन द फ्यूचर, हमें वो क्रेविंग प्रोड्यूस करते हैं, डोपामाइन जो प्रोड्यूस होता है वो क्रेविंग प्रोड्यूस करता है कि हम और भी फ्यूचर में ऐसी चीज़ ज़्यादा खाएं। इसलिए आजकल बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर मैकडी ये सारी चीज़ें खाने का क्या ऐसा लगता है खाते रहें उन चीज़ों को। फिफ्थ अगर कहें तो क्यूकर टू डाइजेस्ट, डेफिनेटली जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं वो वेरी इजी होते हैं टू डाइजेस्ट करना देन द अनप्रोसेस आइटम्स को, क्योंकि जो अनप्रोसेस आइटम्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में बॉडी को टाइम लगता है, जैसे होल फूड्स हो गए। तो इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसको फूड को डाइजेस्ट करने में क्या है कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। डेफिनेटली जो चीज़ जल्दी हो जाएगी तो क्योंकि वो पहले से ही फुली कुकड हो जाते हैं तो बॉडी में क्या है उनका डाइजेशन ईजी हो जाता है और वो क्या है लेस एनर्जी की जरूरत होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट वी बर्न हाफ एज मैनी कैलोरी डाइजेस्टिव प्रोसेस फूड कंपेयर टू द अनप्रोसेस फूड, अब जो प्रोसेस फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हम अनप्रोसेस फूड आइटम को डाइजेस्ट करते हैं उससे हाफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या होता है जब एनर्जी लॉस कम होगा, हम एनर्जी इंटेक तो ज़्यादा ले रहे हैं बट एनर्जी आउटपुट जो है लॉस जो है हमारी बॉडी से वो कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी जब डेफिनेटली जब एनर्जी हमारी हमारा हमारा उतना एनर्जी आउटपुट ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो हम फूड से कैलोरी ले रहे हैं एनर्जी ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती रहेगी, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में होती है, ओबेसिटी हो सकती है, हाई लिपिडेमिया हो सकता है जिसे हायर कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो सारे हो सकते हैं। सिक्स जो है फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, डेफिनेटली प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द एडिटिव्स केमिकल्स का बहुत यूज होता है उनको मोर अपीलिंग मोर टेस्टर बनाने के लिए मोर फ्लेवरफुल बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज होता है, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल आइटम्स को प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव सेंसिटिव का यूज होता है।
अब क्या है, ये हमने बात की थी हेल्थ रिस्क या हेल्थ कंसर्न के एस्पेक्ट से। अब जनरली ये हेल्थ इश्यूज होते क्या हैं, इनको देखें तो जो इनका जो मेन पर्पस है, एक तो क्या है, जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं वो हायर इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस में यूज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिससे डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज होते हैं, एनर्जी डेंस होते हैं, ठीक है। तो इनसे जनरली बॉडी में क्या होता है, लाइफ स्टाइल डिसीज होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखें कि प्रोसेस जनरेटेड केमिकल्स क्या हैं, सेफ्टी इशूज क्या हैं। तो जब 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 एक फूड आइटम्स को प्रोसेस किया जाता है थर्मली प्रोसेसिंग डेफिनेटली, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और उन केमिकल चेंजेस में कई बार ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो डेफिनेटली हमारे लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। द सेवरिटी ऑफ द थर्मल प्रोसेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेफ्टी। इट मीन्स एज वी इंक्रीज द प्रोसेसिंग टाइम, इट मेक्स द प्रोडक्ट सेफ इन एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबल क्वालिटी, वाइल सेवरिटी ऑफ द थर्मल प्रोसेसिंग इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी एज होल। ये डेफिनेट इस फिगर से देखेंगे, इसमें ये दिखाया गया है कि एज हम जैसे ही हम प्रोसेसिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्या है, देखो इसमें देखो, क्योंकि प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग सेवरिटी है, ये प्रोसेसिंग है, ठीक है। जैसे ही हम प्रोसेसिंग बढ़ाते हैं, प्रोसेसिंग बढ़ाने पे हो सकता है हायर टेम्परेचर जाने पर हमारी माइक्रोवेल सेफ्टी तो बढ़े, वो माइक्रोबली फ्री तो हो जाएगा, बट प्रोसेसिंग बढ़ाने पे, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाने पर क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग सेवरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी, मतलब जितना भी हम प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाएंगे, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलूँगा, जितना प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाएंगे ही उतना ही, नहीं, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाएंगे उतना ही क्वालिटी में डिमिनिश होगा, डिग्रेडिंग होगा। ये नेगेटिव स्लोप है डायरेक्टली, मतलब नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाएंगे तो क्वालिटी ऑफ द फूड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, माइक्रोबल सेफ्टी विल बी इंक्रीज डेफिनेटली विद द टेम्परेचर, माइक्रोबल्स किल हो जाएंगे। अब प्रोसेस जनरेटेड अगर केमिकल्स की हम बात करें या सेफ्टी इशूज की बात करें, तो हेल्थ हजार जो हैं वो क्या क्या होते हैं कि प्रोसेसिंग जनरली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड्स वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोसाइलिक अमाइंस एंड एक्रिलामाइड, बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं। अभी तक तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे ऐसी स्टडी भी नहीं हो पाई है जिनसे पता चला है कि ड्यूरिंग दैट थर्मल प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स प्रोसेस और कौन से केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज द हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ये तो है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, उसके साथ साथ हमारे उसकी कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी बढ़ जाती है, मतलब उसमें जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं दे जनरली द कार्सिनोजेनिक, और बॉडी में कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मेजर जो जो अभी तक जो स्टडीड है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो प्रोसेस जनरेटेड हमें हम सेफ्टी इश्यूज बोलेंगे, वो है एक तो सबसे जो ज़्यादा कह सकते हैं कि कंसर्निंग है और कह सकते हैं बहुत ही नॉन टर्म हो गई है आजकल फूड इंडस्ट्री में, वो है अक्रिलामाइड। तो अक्रिलामाइड क्या होता है, अक्रिलामाइड फॉर्म होता है इन द स्टार्ची फूड्स में ड्यू टू द मिलार्ड रिएक्शन। जस्ट हायर इन स्टार्च होते हैं और हायर टेम्परेचर में जब उन उन सब्सटेंस को प्रोसेस किया जाता है, तो ड्यू टू द मिलार्ड रिएक्शन उसमें क्या है, अक्रिलामाइड सब्सटेंस जो जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हायर परसेंट जैसे ग्रिल, बेकिंग और फ्राइंग, ठीक है। पोटैटो चिप्स में बहुत सी स्टडी हुई है, उनमें किसी में ज़्यादा पाया गया है, किसी में, किसी ने रिपोर्ट किया है कि नॉर्मल है एज पर द जो भी रेगुलेशन डिफाइंड है कि उसे नीचे लेवल पे है। बट अक्रिलामाइड को क्या है, इट इज़ नॉन एज ए न्यूरोटॉक्सिन। अक्रिलामाइड क्या है, न्यूरोटॉक्सिन्स है एंड इट इज़ ए सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक, मतलब क्लास, आई थिंक क्लास वन में आएगा, कौन से में आएगा अभी मेरे को कन्फर्म नहीं है। तो अभी तक ये कंफर्मिंग नहीं है, सस्पेक्टेड है कि इट मे बी द कार्सिनोजेनिक एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन है। ड्यू टू दैट क्या होता है, तो बॉडी में लोअर फर्टिलिटी हो जाती है, टेस्टिकुलर टॉक्सिन्स हो जाते हैं। तो अक्रिलामाइड क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, और इससे देर द चांसेस कार्सिनोजेनिक है, सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक है, उससे बॉडी में हेल्थ इश्यूज क्या है, कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वी आर कंज्यूम द हाईली फ्राइड, हाईली बेक्ड स्टार्ची फूड आइटम्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ चांस और रिस्क ऑफ द कंजप्शन ऑफ द अक्रिलामाइड। दूसरा
देखें जो कंसर्निंग इशू है, जो प्रोसेस जनरेटेड है वो है क्लोरोप्रोपेनॉल्स। क्लोरोप्रोपेनॉल्स क्या है, जनरली हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होता है, जनरली इन द फूड आइटम्स इन विच द फूड इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिनका कंसंट्रेशन मीन्स हाइड्रोक्लोरिक जो जो फूड आइटम्स प्रोसेस हो रहते हैं उनमें क्लोरोप्रोपेनॉल्स की प्रोडक्शन की होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ये जनरली जो मिलता है वो जनरली है सोया सॉस हो गया, मॉडिफाइड स्टार्चेस हो गया, माल्टेड सीरियल्स हो गया, और इंक्लूडिंग द रोस्टेड बार्ले माल्ट फूड प्रोडक्ट्स में इसके होने की प्रॉबलिटी ज़्यादा होती है। अगर टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें तो ये क्या है कि इसकी टॉक्सिक इफेक्ट की जो अभी तक स्टडी हुई है एनिमल्स में, तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, बट अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक डाटा नहीं है जिसमें इसके टॉक्सिक इफेक्ट के ह्यूमन हेल्थ पे कोई टॉक्सिक इफेक्ट का इसका स्टडी अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है, बट डेफिनेटली एनिमल्स पे हो गई है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट एनिमल्स में ऑब्जर्व हुआ है, तो हो सकता है कि ह्यूमन हेल्थ को भी कहीं ना